हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसआर के स्टोरी लवर में। तो दोस्तों, आपने मेरे पिछले एपिसोड्स तो जरूर सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुनिए। और हाँ, आपको मेरी एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ, मेरे साथ बने रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी। मीडिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणविजय ने टीना का साइड क्यों लिया। क्या वो टीना को साइन करने की सोच रहे हैं, या वो बस यूं ही जोश में ये सब कुछ कह गए, इसके पीछे रणविजय का कोई भी मतलब रहा हो। लेकिन अब किसी भी रिपोर्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टीना से कोई भी सवाल पूछ सके। रणविजय के पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जैसे ही वो टीना की तरफ से खड़े नजर आए, मीडिया वाले भी अब सारा ब्लेम पीजी ग्रुप के ऊपर डालने लगे। अब पीजी ग्रुप की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई, और इन सब के पीछे यूसुफा के मैनेजर को भी जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। टीना के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ तौर पर उसकी बेफिक्री को दिखा रहे थे, और हो भी क्यों ना, रणविजय जैसा पावरफुल बिजनेसमैन उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था। अगर रणविजय आज यहाँ पर ना होता तो मीडिया और दर्शक मिलकर टीना का जीना मुश्किल कर देते। ये सब सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। टीना ने स्टेज के पीछे जाकर अपने कपड़े बदले, अपने शादी के जोड़े वाला बैग लिया और वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा कि रणविजय की स्पोर्ट्स कार वहां पर खड़ी थी। रणविजय मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा था। टीना बिना कुछ कहे सीधे जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसे पता था कि आज रणविजय ने उसके लिए जो कुछ भी किया, वो उसका एहसान शायद कभी नहीं चुका पाएगी। फिर से एक बार थैंक यू, टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। रणविजय ने भी टीना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता था मैं अपनी वाइफ को ऐसे सबके सामने बेइज्जत होने दूंगा। टीना के चेहरे पर सुकून था, उसने सफाई देते हुए कहा, रणविजय मैं सिर्फ पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहती थी। मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं वाकई में कौन हूँ। रणविजय ने उसकी आंखों में बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे ये सब पहले कह सकती थी। अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो मेरा इतना हक तो बनता है। अब अगर आज मैं वक्त पर ना पहुँचता तो सोचो क्या होता। टीना खामोश रही। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं, रणविजय ने टीना का ध्यान उन सब बातों से हटाते हुए पूछा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो, हम हमारे घर चलेंगे, और कहाँ जाऊंगी मैं, टीना ने धीमे से कहा। रणविजय के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, आर यू श्योर, क्योंकि हम अब शादीशुदा हैं। अभी भी सोच लो, क्योंकि आज हमारी मैरिड लाइफ की पहली रात, सुहाग रात। टीना भी अब मुस्कुरा पड़ी। अच्छा मैं तैयार हूँ, अब तुम बताओ। दोनों के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान देखी जा सकती थी। टीना के बेहद प्यार भरी नजरों से रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, रणविजय आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है, और मैं भी अब हर तरह से कोशिश करूंगी कि तुम्हें भी अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। रणविजय ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। टीना के लिए उसके दिल में इज्जत बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि आज के समय में टीना जैसी इतनी लॉयल लड़की मिलना वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन रणविजय बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था, जल्दी किसी चीज पर अपना रिएक्शन नहीं देता था। टीना के पास उसकी मैनेजर रितिका का कॉल आया। टीना, मुझे यूसुफा के प्रेग्नेंट होने का सबूत मिल गया है, अब मैं इसका क्या करूं, और तुम्हारे ज्वेलरी शो का वो वीडियो वायरल हो गया, लोग तुम्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रॉल कर रहे हैं, अब बताओ आगे का क्या प्लान है। रितिका, आज शाम जो भी हुआ उसके बाद भी तुम मेरे साथ हो, मतलब तुम ये स्टूपिड क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। रितिका ने सिंपल जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं उन कमीनों का साथ दूंगी। टीना को अब अपनी मैनेजर के लिए प्राउड फील हो रहा था। उसने तुरंत ही अपने आगे की स्ट्रेटेजी उसे बताते हुए कहा, तो फिर अब वो स्टेटमेंट रिलीज कर दो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि ये स्टेटमेंट रिलीज होते ही तुम पीजी ग्रुप की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाओगी। मैं नहीं डरती किसी से, रितिका ने कड़क शब्दों में कहा। मैं ये स्टेटमेंट प्रणय के कुछ करने से पहले ही रिलीज कर रही हूँ, ताकि उसे कुछ करने का मौका भी ना मिले। टीना ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो कार में एक बार फिर से शांति छा गई। टीना को थोड़ा अजीब लग रहा था, न जाने रणविजय उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। इससे पहले कि टीना आगे कुछ कहती, रणविजय बोल पड़ा, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी तुमने जो कुछ भी बात की है मैं सब सुन लिया है।
उनकी कार कोलाब के एक रेड लाइट सिग्नल पर रुकी हुई थी। एक भिखारी रणविजय के पास आया, उसने जेब से पैसे निकालकर भिखारी को दे दिए। भिखारी दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देके चला गया। भिखारी के चेहरे पर खुशी देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। टीना को इस तरह मुस्कुराते हुए देख रणविजय एक पल को उसकी मुस्कुराहट में खो गया। उसने प्यार से टीना के हाथों में अपना हाथ डाला और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टीना मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात जानना चाहता हूँ, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? तुम मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रही हो? रणविजय, हाँ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे बस लोगों ने इस तरह से रहने के लिए मजबूर किया है। मैं ऐसी नहीं हूँ रणविजय। रणविजय ने टीना की तरफ देखा, उसके चेहरे पर सच्चाई थी और कुछ परेशानी की लकीर भी। उसको एहसास हो गया कि टीना अभी किस दौर से गुजर रही थी। अगर टीना की जगह वो होता तो शायद वो भी कुछ ऐसा ही करता। उसने टीना पर यकीन जताते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इन लोगों के साथ न जाने क्या कर जाता। रणविजय को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि टीना, यूसुफा और प्रणय के बीच क्या चल रहा है। रणविजय के रिएक्शन को देखकर टीना को एक बार फिर से अपने पति पर फक्र हो रहा था। उसने खुद को अंदर से तैयार किया और मन में फैसला किया कि उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इसके इस रिश्ते पर उसका असर नहीं पड़ने देगी। वो आज की रात रणविजय और खुद के लिए यादगार बनाना चाहती थी। उधर सिटी हॉस्पिटल में बैठकर प्रणय न्यूज चैनल पर टीना के एक्सपोज होने के खबर बार बार देख रहा था। उसे तो जैसे उस न्यूज पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसके पास एचएफ क्रिएशन की तरफ से एक कॉल आई। वो पीजी ग्रुप को कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रहे थे। पीजी ग्रुप का बुरा वक्त शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर भी उनकी कंपनी को लेकर अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थी। यूसुफा की नजरें उस शो की रिकॉर्डिंग पर टिकी हुई थी। वो बड़े ध्यान से टीना की परफॉर्मेंस को देख रही थी। अचानक उसने प्रणय को खुद की तरफ खींचकर कहा, प्रणय देखो, टीना चाहती थी कि वो पहचान ली जाए। वो जानती थी कि मेरे और उसके बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है, इसलिए उसने सिर्फ अपने होंठ दिखाए और अपने होंठों के नीचे का तिल दिखाया। यूसुफा, टीना ऐसी नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब वो तुम्हारी जगह पर स्टेज पर गई है। अंदर से प्रणय को अभी भी टीना पर पूरा भरोसा था। अच्छा, तो क्या तुम अभी भी टीना पर भरोसा कर रहे हो? पागल मत बनो प्रणय, अब ये सब बखेड़ा हो गया है तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे, यूसुफा ने गुस्से में कहा। तो तुम क्या चाहती हो यूसुफा? देखो, तुम और टीना जल्द ही शादी करने वाले हो, ऐसे में वो अब इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहने वाली है। अब पीजी ग्रुप को आने के लिए तुम एक अनाउंसमेंट कर दो। तुम्हें लोगों से कहना होगा कि इन सब के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। ये सब टीना ने खुद को सुर्खियों में लाने के लिए किया है, इसी वजह से उसने स्टेज पर आकर मेरी जगह लेने की कोशिश की, यूसुफा ने प्रणय को समझाया। हाँ, हमारे पास बस यही एक रास्ता है, हम सिर्फ यही करके बच सकते हैं, है ना? प्रणय ने यूसुफा से सहमति जताते हुए कहा। वो अपने हेड पीआर से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आया। प्रणय सर, जल्दी से न्यूज की हेडलाइंस देखिए, टीना की मैनेजर ने अभी कोई बहुत बड़ी न्यूज दे दी है। प्रणय ने तेजी से ऑनलाइन न्यूज हेडलाइंस सर्च करना शुरू किया। वो जितना सोच रहे थे, टीना की मैनेजर उससे भी तेज निकली थी। उसने मीडिया को ये भी बता दिया था कि प्रणय ने पहले भी कई बार यूसुफा की जगह पर टीना का इस्तेमाल किया था। वो मीडिया के आगे दोनों मॉडल की फोटो दिखाते हुए इसका सबूत भी दे रही थी। गुस्से से भरे प्रणय ने तुरंत ही टीना के मैनेजर रितिका को कॉल किया। रितिका, क्या तुम पागल हो? फोन में दूसरी तरफ से रितिका की हंसी सुनाई पड़ रही थी। फिर बहुत ही सीरियस होकर रितिका ने कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी घटिया कंपनी को छोड़ना चाहती थी प्रणय गुलाटी, पीछे से घबराई हुई यूसुफा बोलने लगी। प्रणय, तुम मेरी बात मानो, ये सब टीना का ही किया हुआ है, जल्दी कुछ करो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। परेशान प्रणय तुरंत ही अपने मीडिया के दोस्त से कॉन्टेक्ट करके रितिका की न्यूज को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी तक किसी को भी टीना और रणविजय के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टीना को चारों तरफ से काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था। ऑनलाइन न्यूज और इंडियन सोशल मीडिया पर लोग उसे काफी भला बुला कह रहे थे। वैसे भी इंडियन मीडिया इन सब चीजों को फैलाने में सबसे आगे ही रहती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह सिर्फ टीना ही टीना थी। एक बार फिर से बाजी पलट चुकी थी। टीना सब्स्टिट्यूट अचानक ही एंटरटेनमेंट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली टॉपिक बन चुका था। थोड़ी देर पहले ही रितिका ने टीना को विक्टिम बनाते हुए जो खबर जारी की थी, वो अब एंटरटेनमेंट पर सर्च किए जाने की सारी सीमाएं पार कर रहा था, क्योंकि रितिका की बताई गई कहानी पहले मीडिया में आ चुकी थी। लोगों ने इस पर यकीन करना भी शुरू कर दिया था कि टीना को कई बार यूसुफा की जगह
जगह पर यूज किया गया था। लोगों को लग रहा था कि टीना के साथ वाकई में गलत हुआ है, उसे बार बार यूज किया जा रहा था। जैसे जैसे ये न्यूज फैल रही थी, लोगों की टीना के लिए सिंपैथी बढ़ती जा रही थी और साथ ही बढ़ रही थी प्रणय की मुश्किल। उसने अपने पीआर को कॉल किया और कहा कि चाहे जितने भी पैसे लग जाएं, टीना के इस न्यूज को दबाना ही पड़ेगा। मगर रणविजय पर्दे के पीछे से टीना के साथ खड़ा था। उसने न्यूज के मेन सोर्स से बात करके उसे धमकी दे डाली थी कि अगर टीना की न्यूज डाउन हुई तो उसकी न्यूज एजेंसी तुरंत बंद करवा दी जाएगी। आगे क्या होता है, इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए और मेरे सारे एपिसोड सुनिए, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।